हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, जिसका नाम है सागर इन्फो फॉर यू। और मैं सागर हमेशा की तरह आ गया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे आप जो है कोरोना वैक्सीन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप जैसे दोस्तों इस गूगल ब्राउजर पर देख सकते हो, आपको जो है दोस्तों आपके मोबाइल के गूगल ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे जो है आपको टाइप करना है covid.government.in की लिंक भी दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी जो है दोस्तों आप जो है डायरेक्टली वेबसाइट पे आ सकते हो। तो जैसे आप दोस्तों covid.gov.in के लिए सर्च करोगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है उसकी लिंक यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो वहाँ से दोस्तों आप जो है इजीली जो है रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों तीन तरीके से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप जो है दोस्तों मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू कर सकते हो और उमंग ऐप के थ्रू कर सकते हो। बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है दोस्तों आप आपके मोबाइल नंबर के थ्रू कीजिए, वो काफ़ी ईजी प्रोसेस होगी आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP दोस्तों यहाँ पे डालने के बाद आपको वेरीफाइड एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करते हो, आप जो है दोस्तों इस इंटरफेस में आ जाओगे। वहाँ पे जो है आपको जो है साफ साफ बताया दिया है कि आप जो है मैक्सिमम 4 मेंबर्स को जो है ऐड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपके घर पे दोस्तों कोई और है जो 18 to 44 एज के बीच में है या उससे ज़्यादा में है, तो दोस्तों आप जो है उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और जब दोस्तों आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो, तब जो है आप जो है उन्हें आपके साथ लेके जा सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पर रजिस्टर मेम्बर पर क्लिक करना है, जहाँ पे सबसे पहले आपको ID प्रूफ पूछा गया है। तो दोस्तों आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड पेंशन पासबुक। तो इसमें से दोस्तों कोई भी जो है ID आप है ID जो है दोस्तों यहाँ पे जो है एज अ ID प्रूफ आप दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो दोस्तों आपको जो है आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। और उसके बाद जो है आधार कार्ड पर दोस्तों आपका जैसा नाम है वैसे आपको यहाँ पर नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका दोस्तों डेट ऑफ ईयर जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जो है आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और एक बात दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो है नोट करनी है कि योर फोटो ID विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ योर वैक्सीनेशन। तो दोस्तों कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पे आपको आता है, जिसमें जो है आप जो है दोस्तों सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए और आपका रेफरेंस ID आपको दिया जाता है, जिस रेफरेंस ID जो है एज ए एविडेंस आपके लिए काम करता है कि आप जो है इस पे जो है रजिस्टर हो गए हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा दोस्तों, जहाँ से जो है प्लस ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप जो है आपके घर के जितने भी मेंबर है, मैक्सिमम 4 मेंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उन 4 मेंबर का या जितने भी मेंबर हैं जिनको आपको ऐड करना है 4 से कम, उन्हें जो है इस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। और शेड्यूल पर क्लिक करके जो है दोस्तों आप जो है आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो वैक्सीनेशन के लिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का पॉपअप यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जिसपे आपको क्लिक करना, उसके बाद जो है आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। और पिन कोड से अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक नोट दिखाई देती है, आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे नो वैक्सीनेशन सेंटर इज अवेलेबल फॉर बुकिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों एक में से जो है अवेलेबिलिटी दिखाई देगी, तो उस हिसाब से जो है आपको जिस भी डेट में आपको वैक्सीनेशन करवाना है उस डेट का जो है दोस्तों आपको स्लॉट बुक करना है और आपका वैक्सीनेशन कर लेना है। आई होप दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको आपकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ, स्टे फिट, गुड बाय।